तो इस प्रकार के 24x24 इंच के ग्रो बैग को भरने में काफ़ी सारी मिट्टी लगती है और काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है हमारे टेरेस पे, छत पे। तो इसे कैसे भरें, कम से कम मिट्टी में और कम से कम वजन के साथ इसे भरना है, और मिट्टी चूंकि लाने में इतना ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस ग्रो बैग को हमें भरना है ताकि कम से कम मिट्टी में और कम से कम वेट में इस ग्रो बैग को हम भर सकें और उसमें कोई भी पौधा हम आसानी से लगा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये 24x24 इंच का ग्रो बैग है और इसमें जो आपको पहली लेयर दिख रही है, इसको हमने अपने गार्डन से निकला हुआ वेस्ट, जो भी आपको सूखी पत्तियां, हरी पत्तियां, जो कुछ भी निकलती हैं या जो कटिंग आप करते हो तो जो वेस्ट निकलता है, उन सभी चीज़ों को आप इसमें डाल दो। एक लेयर आपको करीब 1 से 2 इंच की इसकी बना लेनी है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो नीचे जो पानी की वो होती है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो अच्छा रहता है, मिट्टी की वजह से ब्लॉक नहीं होते हैं ड्रेनेज होल्स, और ये जो नीचे कंपोस्ट है ये जब इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे तो ये डिकम्पोस्ट होंगी और जब रूट्स नीचे तक जाएंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू इससे मिलेगी। इसके ऊपर हम डालेंगे मिट्टी की एक लेयर। अब दोस्तों जो दूसरी चीज़ है, इसके ऊपर हम डालेंगे अपने नॉर्मल गार्डन सॉइल की एक लेयर, जिससे कि ये जो लेयर है नीचे की, जो हमने डाल रखी है एक लेयर गार्डन बेस्ट की, उसको डिकम्पोस्ट करने में मदद करेगी, और इसके ऊपर जो चीज़ें हम डालेंगे उनको भी इस मिट्टी की वजह से डिकम्पोज होने में सरलता होगी, आसानी होगी। तो इसलिए हमने एक लेयर इस प्रकार मिट्टी की इसमें डाल दी है और इसको हम चारों तरफ अच्छे से पूरे गार्डन, जो गार्डन वेस्ट है उसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। फिर दोस्तों ये मिट्टी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जो अपने किचन वेस्ट से या गार्डन वेस्ट से जो कुछ भी हमने इकट्ठा कर रखा है, जो वेस्ट है, छिलके हैं, मटर के छिलके, फल के सब्जी छिलके, सब्जियों के छिलके, सारी चीज़ें जो हम पहले से लगातार इकट्ठा करते आ रहे हैं उसे हम इसमें डाल देंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें इसमें प्लास्टिक नहीं छोड़ना है, तो प्लास्टिक जो भी है आपको निकाल लेना है उसमें से। तो इस प्रकार से जितने भी छिलके आपने गार्डन से, जो पत्तियाँ या गार्डन वेस्ट कटिंग करने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद जो कुछ भी इकट्ठा हो रहा है वो, या फिर जो आपके पास किचन वेस्ट है, मटर के छिलके हों, फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो सारी चीज़ें हमें इसमें डाल देना है। और एक लेयर के बाद करीब 4 से 5 इंच की एक लेयर बनाएंगे छिलकों से, उसके ऊपर हम डालेंगे एक या दो इंच की मिट्टी की लेयर। तो दोस्तों अब डालेंगे हम इसके ऊपर फिर से मिट्टी की एक लेयर। मिट्टी की लेयर डालनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी की जो लेयर होती है वो छिलकों को डिकम्पोज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने इसमें एक लेयर फिर से मिट्टी की डाल दी, और जो मिट्टी की लेयर होगी वो हम बता रहे हैं फिर से कि उसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, 1 से 2 इंच ही पर्याप्त है। फिर इसके ऊपर हम छिलके डालेंगे और ये प्रक्रिया जब तक ये ग्रो बैग भर नहीं जाता है तब तक दोहरानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपनी ग्रो बैग को 50% से ज़्यादा भर लिया है, ये गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट और साथ में थोड़ी 1-2 इंच की मिट्टी की लेयर के साथ। अब दोस्तों एक बात जो यहाँ के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, कि अगर आप ये ग्रो बैग सब्जी वाले पौधों को लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें ऊपर की 6 इंच की जो लेयर होती है वो कम से कम जरूर मिट्टी से कवर करें, और अगर आप इसमें फल या फल वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो 12 इंच की जो लेयर हो ऊपर की, टॉप मोस्ट 12 इंच, वो आप प्योर मिट्टी से कवर करें, क्योंकि जो फल वाले पौधे होते हैं उनकी रूट्स आप जब पौधा लगा रहे होते हैं तो वो करीब करीब 6-7 इंच की गहराई चाहिए होती है, और उसके बाद जो तत्काल पौधे की जो रूट्स होती है वो फैलती हैं तो वो उसको मिट्टी थोड़ी चाहिए होती है। तो कम से कम 12 इंच की जो लेयर है ऊपर की, अगर फल वाले पौधे लगा रहे हैं तो उसको मिट्टी से कवर करें, और अगर आप सब्जी वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो 6 से 7 इंच की लेयर पर्याप्त है। आप 6 से 7 इंच की ऊपर की टॉप लेयर जो है वो मिट्टी से कवर कर दें, बाकी नीचे पूरा आप गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से कवर कर लें, और ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, तो 1-2 महीने बाद ये पूरी तरह से मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे। अब दोस्तों अब इसके बाद जब मैंने ये किचन वेस्ट पूरा यूज कर लिया है तो इसके ऊपर एक लेयर जो हमें डालनी है वो है काउडंग कंपोस्ट की, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट में बहुत अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और ये जो हमारे ये किचन वेस्ट हैं इनको डिकम्पोस्ट करने में बहुत ही सहायक बना देंगे। तो आपको कम से कम एक इंच की लेयर जो है वो हमें अच्छे से सड़ी हुई डिकम्पोस्ट काउडंग को यूज करना है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने एक लेयर जो है प्योर एक लेयर काउडंग से इसे कवर कर देंगे, और इसको पूरी तरह से हम सभी तरफ, चारों तरफ बराबर से फैला देंगे ताकि जो इसमें माइक्रोब्स होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरे इसमें, जो छिलके हमने डाल रखे हैं इसमें, अच्छे से
अपना वर्क कर पाए प्रॉपर तरीके से और इन्हें डिकम्पोज करें। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे प्योर मिट्टी की एक लेयर जो हमने पहले से तैयार कर रखी है, और ऊपर की जितनी भी आपको खाली जगह दिख रही इसे हमें मिट्टी से ही कवर करना है, क्योंकि मुझे इसमें लगाना है आम का पौधा। 24x24 इंच का ग्रो बैग है। मैं फिर से बता दूं, अगर आप इसमें सब्जी वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो आप अभी और भी इसमें जो किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट है उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसमें इस मिट्टी को भर दिया है। देखिए और ये ग्रो बैग हमारा भर के रेडी हो गया है। कोई भी पौधा अब आप इसमें बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो हम इसमें आम का पौधा लगाएंगे तो वो हम आपको लगा के भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आम का पौधा है, इसे हम इस ग्रो बैग में लगाएंगे जो कि हमने रेडी किया हुआ है। तो जिसमें ये लगा हुआ है पहले से जिस मिट्टी में लगी हुई इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से इसकी मिट्टी को हम हल्का ढीला कर लेंगे, पूरी तरह से हम मिट्टी को निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये आम के जो फल वाले पौधे होते हैं अगर आप इनके रूट्स को हिला देते हैं डैमेज कर देते हैं तो ये फिर रूट ठीक से नहीं निकल पाती हैं इसमें। तो हम इस प्रकार से लगा देंगे और अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें कर देंगे काफ़ी अच्छे से वाटरिंग, जिससे कि नीचे जितनी भी चीज़ें हमने डाल रखी हैं वो पूरी गीली हो जाए। और गीली हो जाएगी उसके बाद फिर जब मिट्टी आपकी सूखती नज़र आएगी तो आपको फिर करनी है वाटरिंग। जब तक कि मिट्टी सूखती नहीं है तब तक आप इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे। और इस प्रकार से हमारा ग्रो बैग रेडी हो गया है।